गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें इक्विलिब्रियम जीडीपी के बारे में, जिसको इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम इनकम के नाम से भी जाना जाता है। क्लास 12 के सिलेबस में जिस इक्विलिब्रियम जीडीपी के बारे में हमें पढ़ना है, उससे रिलेटेड तीन मेन एजम्पशंस हैं। उसमें हम देखते हैं, पहला एजम्पशन है शॉर्ट रन। किन्स के अनुसार शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इनकम का मतलब कि शॉर्ट रन में हमको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को ही बढ़ाना होगा, टेक्नोलॉजी को हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कुछ फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट होंगे, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होंगे, एंड आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट अप टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जब तक हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो जाए, तब तक एम्प्लॉयमेंट बढ़ा करके हम लोग आउटपुट बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखना है। क्लोज्ड इकोनॉमी एजम्पशन होने का मतलब कि देयर विल बी ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, डेट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। और इस दो सेक्टर होने की वजह से हमारे इकोनॉमी में जो एक्सपेंडिचर होगा, जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट होंगे, वो दो ही कंपोनेंट होंगे, एक सी यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और आई यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और तीसरा एजम्पशन है परफेक्टली इलास्टिक एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि द इकोनॉमी हैज़ सो मनी रिसोर्सेज, इकोनॉमी के पास बहुत बड़ी संख्या में रिसोर्सेज अवेलेबल है, एंड इट कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर अप टू द अचीवमेंट ऑफ द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन नहीं हो जाएगा, तब तक लेबर बढ़ा करके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा करके जितना चाहे उतना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यही परफेक्टली इलास्टिक एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग हुआ। इस तीन मेन एजम्पशन के आधार पे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के आधार पे, सेविंग इन्वेस्टमेंट के आधार पे, यानी दो अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम जीडीपी को स्टडी किया जाता है। पहला अप्रोच है एडीएस अप्रोच, जिस अप्रोच के अनुसार ये कहा गया कि जिस सिचुएशन में, जिस इनकम लेवल पे, जिस आउटपुट लेवल पे, जिस जीडीपी लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का फिगर इक्वल होगा, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम इनकम या इक्विलिब्रियम आउटपुट के नाम से जानेंगे। एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल होता है, और चूंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है तो एडी सी प्लस आई के इक्वल होगा, इसलिए हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहां इनकम यानी वाई जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के सम के इक्वल हो जाए, वही सिचुएशन हमारा इक्विलिब्रियम इनकम का होता है। दूसरा हम देखते हैं ऐसा ही अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अनुसार कहा गया कि जहाँ पे प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाता है, वही सिचुएशन हमारे इक्विलिब्रियम इनकम का होता है। तो इस तरह से दो अप्रोच के थ्रू हम लोग को इसको आगे स्टडी करेंगे। देखिए ऐसा ही अप्रोच डिराइव कैसे हुआ, तो जैसा कि हम लोग पहला अप्रोच देखे कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है, यानी वाई जो है सी प्लस आई के इक्वल होगा। तो चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनकम जो है कंजम्पशन और सेविंग दो हिस्सों में बटा होता है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन वन और टू के आधार पे कि सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, और अगर सी और सी को कैंसिल कर देते हैं तो हमारा बचता है आई और एस। इस तरह से हम देखते हैं दूसरा अप्रोच में कि जहाँ प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जिस इनकम लेवल पर इक्वल होगा, वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा इकोनॉमी को। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होने पर ही इक्विलिब्रियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर को ना ही लॉस होता है अनसोल्ड स्टॉक का और ना ही लॉस होता है अनफुलफिल्ड डिमांड का। यानी जितना प्रोडक्शन उसने किया है वो सारे बिक गए हैं और उसके पास कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं बच रहा है, और ना ही उसको इस बात का कोई दुख होगा, ना ही इस बात की उसको कोई अफसोस होगी कि कोई कंज्यूमर जो है खाली गया, हर एक कंज्यूमर को हर एक सामान अवेलेबल हो चुके हैं। तो इस तरह से एस और एडी के इक्वल होने पर या एस और आई के इक्वल होने पर इक्विलिब्रियम इनकम को हम लोग अचीव करते हैं। इसको हम लोग एक टेबलर एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ देखिए इनकम दिया हुआ है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, और इस डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन का फिगर दिया गया है, और कंजम्पशन के साथ साथ जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का फिगर है वो भी दिया गया है। इस सी और आई इन दोनों फिगर को हम ऐड करते हैं तो हमारे एग्रीगेट डिमांड का फिगर आ जाता है, जैसे 50 और 100 को जोड़ के 150, 75 और 100 को जोड़ करके 175, ये 100 100 200, 150 100 जोड़ के 250, 200 और 100 जोड़े 300। इस तरह से हम लोग डिफरेंट इनकम लेवल पर डिफरेंट कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को जोड़ के एडी का फिगर ड्राइव किया। एस जो कि इनकम के इक्वल होता है, इसलिए जितना इनकम का लेवल है उतना ही हमारे एग्रीगेट सप्लाई का भी फिगर है। इस शेड्यूल में हम देखते हैं कि
कि इक्विलिब्रियम के लिए एडी और एस जो है किस इनकम लेवल पे इक्वल है। देखिए यहाँ इक्वल यहाँ नहीं, यहाँ पे है ना। तो ये जो हमारा 300 लेवल है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई 300 पे इक्वल हो रहा है, यानी किस इनकम लेवल पे इक्वल है ये। वाई हमारा इनकम लेवल को इंडिकेट कर रहा है, किस इनकम लेवल पे है तो 300 पे। यानी इस शेड्यूल के हिसाब से 300 जो है इनकम हमारा देश का इक्विलिब्रियम इनकम होगा, हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम इनकम होगा, क्योंकि इस इनकम लेवल पे एडी और एस का फिगर इक्वल है। इसको हम डायग्राम से देखते हैं तो वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को दिखाया जाएगा, एक्स एक्सिस पर इनकम को दिखाया जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व चूँकि ऑटोनोमस कंजम्पशन होने की वजह से जो है या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होने की वजह से एडी कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और इनकम बढ़ने के साथ एडी बढ़ता है, इसलिए एडी कर्व का स्लोप अपवर्ड होगा। इनकम के इक्वल एएस कर्व हो गया जिसको लाइन ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ये देखिए जहाँ पे एडी और एएस कर्व पॉइंट टी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, यानी जो 300 लेवल हमारा इनकम का था जिसको हमने शेड्यूल में देखा, वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा और इस ग्राफ के हिसाब से जो इनकम लेवल हुआ यही हमारा इक्विलिब्रियम इनकम हुआ। तो इस तरह से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के थ्रू हमने इक्विलिब्रियम इनकम को देखा। यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू। देखिए यहाँ वही फिगर हम लिए हैं कि इनकम डिफरेंट इनकम लेवल पर डिफरेंट कंजम्पशन कितना और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितना है। सेविंग जो है इनकम से कंजम्पशन को घटा करके, यानी 0 में से 50 घटाए तो -50, 50 में से 75 घटाए तो -25, 100 में से 100 घटाए 0, 200 में से 150 घटाए 50, 300 में से 200 घटाए 100, 400 में से 250 घटाए 150। इस तरह से इनकम से कंजम्पशन घटा के यहाँ सेविंग निकाल दिया गया है। इस शेड्यूल में हम देखते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम होने के लिए हमें फिगर चाहिए जहाँ इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो जाएगा वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट भी 100 है और सेविंग भी 100 है, यानी 300 का जो इनकम लेवल है उस 300 के इनकम लेवल पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग का फिगर इक्वल है, इसलिए इस शेड्यूल के हिसाब से हमारा इक्विलिब्रियम इनकम का जो फिगर होगा वो 300 होगा। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। चूँकि देखिए 0 इनकम पर ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारा सेविंग जो है माइनस में है, इसलिए हमारा निगेटिव वाई एक्सिस से सेविंग कब स्टार्ट होगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा सेविंग हमारा पॉजिटिव होते जाएगा, ठीक है। जहाँ वाई और सी इक्वल होता है वहाँ सेविंग 0 होता है जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, और जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं, यानी जहाँ एस और आई इक्वल हुआ है जैसा कि पॉइंट ई पे दिखाया गया है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट किया है यही हमारा इक्विलिब्रियम इनकम होगा। इस ग्राफ के हिसाब से ओवाई और शेड्यूल के हिसाब से यहाँ 300 इनकम लेवल जो होगा वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इक्विलिब्रियम जीडीपी को कैसे हम अचीव करते हैं और 12th क्लास के में जो हमारे सिलेबस में है उस सिलेबस के हिसाब से इक्विलिब्रियम जीडीपी के सिचुएशन के लिए क्या मेन एजम्पशंस हैं। थैंक यू।